दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सीएम सतना पधारे तो सही, शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कल सतना आए। कार्यक्रम तो उनका शहीद हुए सैनिक धीरेन्द्र त्रिपाठी के अंतिम संस्कार में शामिल होना था, मगर अखबारों में छपे समाचारों के अनुसार सीएम शिवराज 40 मिनट सतना की धरती पर रहे। हम सतना को धन्य मान लेते हैं। सीएम शिवराज सतना सांसद के छोटे भाई को श्रद्धांजलि देने उनके गांव खमरिया पहुंचे। लक्ष्मी यादव के घर भी दो गमी हो चुकी थी, वहां भी सीएम शिवराज श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अखबारों ने लिखा सीएम के हेलीकॉप्टर में सतना में ईंधन भरा गया। वाह, सतना का एयरपोर्ट ऐतिहासिक हो गया। सतना के एयरपोर्ट ने इतिहास रच दिया, सीएम के हेलीकॉप्टर में ईंधन भरा गया। सीएम के दौरे पर शहडोल से सुरक्षा के मद्देनजर कुत्ते लाए गए थे। कुत्ते भाग्यशाली हैं या सतना की धरती या यह समाचार पढ़ाने वाले अखबार, यह आपको तय करना है। मैं काफी उधेड़बुन में हूं। नगर निगम सतना के एक अधिकारी ने कहा सीएम सतना आए, मगर जनता के मन में कोई उत्साह नहीं था, ना ही शासकीय कर्मचारियों में। मैंने पूछा क्यों, जवाब अच्छा था। उन्होंने कहा सीएम के अनावश्यक दौरों ने इस गरिमा को अब गिरा दिया है। नगर निगम के एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि आयुक्त एयरपोर्ट रोड पर उड़ती धूल को लेकर काफी परेशान दिखे। बाद में उन्हें पता चला गड्ढों में डस्ट और सीमेंट सूखा हुआ मिलाकर गड्ढे भरे गए हैं, जो धूल बनकर उड़ रहे हैं। तब आयुक्त यह पूछते हैं कि क्या एयरपोर्ट में जो अभी नई सड़क बनी है इसमें गड्ढे भी हो गए हैं? तो लोगों ने बताया जी हां, इसमें गड्ढे हो चुके हैं और उन गड्ढों को आज सीएम के दौरे के कारण डस्ट और सीमेंट से भर दिया गया है। वो डस्ट उड़ रहा था, धूल उड़ रही। यह खबर मुझे कुछ रोचक लगी। ऐसे विकास की चर्चाएं करना मुझे काफी अच्छा लगता है। गाड़ियां चलने पर धूल तो पीछे उड़ती है, सीएम की गाड़ी निकल गई पीछे धूल उड़ती भी रही, क्या फर्क पड़ता है? हां, इस विकास के लिए सतना के लोगों का कितना बजट खर्च हुआ यह बात मायने रखता है। सीएम के आने से 5 करोड़ से बने एयरपोर्ट की उड़ी धज्जियों का पैच वर्क रातों रात हो गया। बजट कितना फिर खर्च हुआ यह मत पूछिए। रातों रात शहीद सैनिक के घर तक सड़क बन गई, जो इतने वर्षों में नहीं बन पाई थी। भाई विकास भी देखते चलें, सिर्फ विरोध करती हुई खबरें दें यह अच्छी बात नहीं है। सिमरिया चौक से खमरिया तक के सड़क के गड्ढे रातों रात डामर से भर दिए गए। कितने दिन डामर रहेगा, कितना बजट खर्च हुआ यह जानना जरूरी नहीं है। विकास तो हुआ। वैसे सतना ने जो भी विकास किया है ऐसे ही किया है। वीआईपी दौरों के दौरान ही यहां का विकास होता आया है। बाकी यह औद्योगिक जिला है, सरकार को अच्छा खासा राजस्व मिल ही जाता है, अधिकारी भी मालामाल होकर ही यहां से जाते हैं। जो सतना आता है वह जाना नहीं चाहता या बार बार यहां आना चाहता है। आखिर कुछ तो है इस जिले में विकास को छोड़कर।